नमस्कार, मैं हूं रतीश त्रिवेदी और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा की सबसे खास चुनावी शो विजय तिलक। विजय तिलक में आज हम हैं कानपुर नगर निगम में और यकीन मानिए उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम महापौर चुनाव में सबसे ज्यादा दिलचस्प और रोचक चुनाव कानपुर नगर निगम में महापौर पद के लिए होने जा रहा है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि यहां पर तमाम ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं विपक्षियों के द्वारा सत्ता दल को घेरने के लिए जिनकी खूब चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह की बात हो रही है, भितरघात की बात हो रही है और कांग्रेस और बीजेपी में जो मुकाबला देखा जाता रहा है उसमें समाजवादी पार्टी इस बार काफी आगे निकल करके आई है। आम आदमी पार्टी से इस्मा जहीर है, मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है आम आदमी पार्टी ने कानपुर में। अगर कांग्रेस से बात करें तो कांग्रेस से आशनी अवस्थी है, प्रदेश सचिव विकास अवस्थी की पत्नी है। समाजवादी पार्टी में आर नगर विधानसभा से विधायक अमिताभ वाजपेयी की पत्नी वंदना वाजपेयी को उतारा गया है और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से प्रमिला पांडे को उतारा है, लेकिन वो हमारे शो में आज नहीं है। उनकी जगह आभा द्विवेदी है जो भाषा आयोग की, उत्तर प्रदेश भाषा आयोग के सदस्य है और वरिष्ठ नेत्री है। भारतीय जनता पार्टी से ही सबसे पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि से, क्योंकि उनकी सत्ता रही है और भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम पे यानी शहर की सरकार चलाने का सबसे ज़्यादा अनुभव उन्हीं के पास है। अनुभव के साथ साथ बीजेपी ने यहाँ पर क्या किया, नगर निगम में उनके हिसाब से क्या क्या काम किए गए और क्या नहीं हो पाए, उनसे बात करते हैं। आबाजी, सबसे पहले आप प्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तमाम लोग विपक्षी आरोप लगा रहे हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया यहाँ पर? शहर के लिए जो भी संभव था विकास के लिए, चूँकि केंद्र में हम हैं, राज्य में हम हैं, इसलिए ना हमें योजनाएं लाने में समस्या हुई और ना ही उनको फलीभूत कराने में समस्या हुई। और सबसे मुख्य बिंदु है, एक पार्षद जब व्यक्ति स्वयं होता है तो उसको यह पता होता है कि समस्याओं से, किन समस्याओं से एक आम व्यक्ति जूझ रहा है, तो वो उनका निराकरण करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। इसलिए जो हमारी महापौर रही हैं और पुनः हमारी जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने इस भूमिका को बखूबी निभाया और सभी की समस्याओं से जूझते हुए और खुद मैदान में खड़े होकर सभी कार्यों को अंजाम दिया। समाजवादी पार्टी के पास चलते हैं। वंदना जी, आपने सुन ली होगी, बात सुन ली होगी, गर्मी बहुत है, पसीना बहुत आ रहा है, लेकिन आप लोगों ने सियासी पारा भी काफ़ी ज़्यादा गर्म कर रखा हुआ है। जो बात आभा जी ने कही उससे कितना इत्तेफाक रखती हैं और क्या होने जा रहा है? देखिए, शहर की बहुत सारी समस्या है, साफ सफाई की बहुत बड़ी समस्या है शहर में, और जो कि बरसात में पूरे नाले जो जाम हो जाते हैं, पूरी सड़कों में पानी और कूड़े की समस्या है और सीवर की समस्या, तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई विकास के काम हुए हैं। तो मुझे तो ऐसा नहीं समझ में आता है, शहर में जगह जगह कूड़ों का अंबार है, आवारा पशु घूम रहे हैं, पेयजल की इतनी बड़ी समस्या है, तो और जाम की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। की सरकार में अश्विनी जी क्या लगता है कि कितनी अच्छी चली शहर की सरकार, मेयर जो हमारी कानपुर की रही प्रमिला पांडे और उससे पहले भी तमाम मेयर रहे, आपको क्या लगता है कि इस बार किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में हैं और जो कहा गया भाजपा के द्वारा उसे कितना? मैं आदरणीय प्रमिला जी को सबसे तो प्रणाम करती हूँ, और चूंकि आज वो आई नहीं, मुझे मैंने सोचा था कि आज मैं उनके दर्शन भी करूँगी, आज वो फिर नहीं आई हैं, तो मैं नहीं कहूँगी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। उन्होंने काम किया होगा तो अपने क्षेत्र में किया होगा, क्योंकि क्षेत्र तो कानपुर है ना पूरा। वो कह रही हैं कानपुर से हम लोग भी आए हैं और हम लोग भी गलियों गलियों ही घूम रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ के लोग इतना रो रहे हैं कि आप यकीन मानिए पीने का पानी नहीं है उनके घरों में। बाकी काम करने की तो अलग बात है। जा रही हैं आप लोग सड़क में, जा रही हैं कैंपेन करने, क्या आपको दिख रहा है? मुझे जनता सामने से आके इतनी उत्साह, अब की जनता में इतना उत्साह है वोट डालने का जितना हम लोगों में नहीं है, इतना उत्साह क्योंकि अब की जनता परिवर्तन चाह रही है और जनता परिवर्तन ला के ही रहेगी। आम आदमी पार्टी से इस मजहिर है, उनसे बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी की आप मुस्लिम कैंडिडेट हैं, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया क्या नहीं? सुन लीजिए बात। आप लोगों की बात होगी, एक मिनट, आप लोगों की बात होगी, रुक जाइए, सबकी बात सुन लेते हैं, आम आदमी पार्टी की भी बात सुन लेते हैं। क्या लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की आपने बात सुनी, आपका क्या व्यू है, क्या हुआ है शहर में? जय हिंद, मेरा नाम इस्मा जहीर है। जैसे कि ये जो शो चल रहा है, ये मेयर प्रत्याशियों का शो चल रहा है जो अपनी बात रखेंगे, और जो सरकार में है, जो सत्ता में है, जो काबिज हैं, वो अपना कैंडिडेट तक यहाँ पे नहीं भेज पा रहे हैं, तो यह सब समझ सकते हैं कि नगर निगम में कितना काम हुआ है। इस्मा जहीर की बात पर समाजवादी पार्टी ने भी और कांग्रेस के भी जो लोग हैं उन्होंने भी तालियां बजाई। जो सिटिंग मेयर को नहीं भेज पा रहे कि वो जनता से बात करे, मीडिया से बात करे, और यहाँ बात नगर निगम की है, जब हम बात नगर निगम की करते हैं
जब हम बात नगर निगम की करते हैं तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक मॉडल दे के रखा हुआ है जो ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में इसको सराहा जा रहा है। तमाम आरोप लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी से बात कर लेते हैं, बताइए झाड़ू चलाने की बात। एक मिनट झाड़ू चलाने की बात कही जा रही है तमाम, जो भैया आप एक मिनट बोलने दीजिए, जवाब ले लेते हैं। रुकिए जवाब आपके हाथ में है। रुकिए जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल उत्तर तो हम ही देंगे आप, नहीं होता ये तो और दूसरी देखिए बात करने दीजिए, शांत हो जाइए, बात करने दीजिए, बताइए जवाब दीजिए। बस ये विपक्ष के पास यही मुद्दा है, केवल ताली बजाना। ये बताइए जितने आरोप आपके ऊपर लगाए गए सबका उत्तर देने को तैयार हूँ, सुनने का बूता होना चाहिए। रुक जाइए बात करने दीजिए, आपके प्रतिनिधि हैं सबके, आप रुक जाइए। पास उत्तर नहीं है, वो सिर्फ चीख सकता है, ताली बजा सकता है। मेरे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कार्यकर्ता स्वयं में प्रत्याशी है, मैं खुद प्रत्याशी हूँ। कहा जाए बीजेपी का हर कार्यकर्ता ही प्रत्याशी है, ऐसा कहा जाए? नहीं, सभी हम लोग सब खुद ही कार्यकर्ता है। स्मार्ट सिटी के नाम पे जो घोटाले हुए हैं वो बात किसी से नहीं छुपी हुई। नमामि गंगे के नाम पे जो घोटाले हुए हैं तो भ्रष्टाचार इतना हुआ है, तो भ्रष्टाचार हटाना है, ईमानदारी जीत होगी। ये कह रही है A to Z कूड़ा उठा रही है। आप शहर की स्थिति देख लीजिए, जगह जगह कूड़ा बजबजा रहा है। ये पिंक शौचालय बना हुआ है, स्मार्ट सिटी के तहत बना हुआ, जाके देख लीजिए ताला लगा हुआ, क्या टोटी खुली हुई है? ताला लगा है, कोई ताला नहीं लगा। जनता ने इनको इतने बार नकार दिया, इसका इनका दिवालियापन दिख रहा है, लगातार जनता इनको नकारती जा रही है। RSS ने नकारा है, RSS जनता टोटी तो कहीं और चोरी हो गई। बताइए मॉर्निंग वॉक जब जो लोग सुबह टहलने जाते थे, हमारी समाजवादी पार्टी सरकार ने उसको रुकवाया, ये लोग ने पैसा लेने चालू कर दिए थे मॉर्निंग वॉकर से, और इसको हमारे समाजवादी पार्टी ने रोका। भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं, भ्रष्टाचार का नहीं, ये हर जगह हम लोगों को देख लीजिएगा, आने वाले समय में हर जगह से पैसे लिए जाएंगे। मोती झील में आज भी बाथरूम के ताले बंद है, सवेरे मॉर्निंग वॉकर आते हैं, कोई भी नहीं जाने को तैयार। क्या ट्रिपल इंजन की सरकार, इनकी ट्रिपल इंजन की, तीन बाथरूम साफ दिखा दीजिए, अब आपकी पार्टी को वोट दे देंगे। जो भी हुआ है अभी तक और होना है, वो ये साफ दिख रहा है कि हताशा पूरी तरीके से चेहरे पे झलक रही है। बाथरूम बताइए चैलेंज, ये इतने काबिल दिखा रहे हैं अपने आप को, तो जनता इनको लगातार क्यों नकार रही है? टोटी चोरी ना, उसने ताला लगा के रखा है। अब मेरा कहना ये है, भाजपा की जब से मेयर बनी, जब से सरकार आई है, स्वरूप नगर क्षेत्र में मैं रहता हूँ, शाम को भी सफाई होती है, सुबह भी सफाई होती है, और काफी सफाई। देखिए ये जो अव्यवस्था, इनको ये लोग हमेशा गुंडागर्दी करके, जब हम लोगों को बोलने की बारी आती है तब ये लोग शोर करना फैलाने वाले जनता का दर्द नहीं समझेंगे। ये आतिक अहमद का भी मुद्दा आ गया, आतिक अहमद का भी मुद्दा जी। सबसे पहले तो हम इन मैम से पूछना चाहते हैं जो भाजपा की तरफ से आई हैं, कि जो ये गुंडागर्दी की बात कर रही हैं, जो इनकी पुरानी मेयर हैं, उनके हर जगह लिखा मिल रहा है कि ये गुंडी हैं और ये रिवॉल्वर लेके चलती हैं, तो लेके चलना कोई गुंडागर्दी करना, लेकिन उनके बोलने में हम वो गुंडा ही थे। देखिए बोलने दीजिए पहले, अभी 22 जनवरी को उनकी सीट छोड़ी जा चुकी है, उन्होंने अभी तक महापौर की गाड़ी नहीं छोड़ी है। अब आप मेरी सिर्फ एक बात सुनिए, सिर्फ एक बात, कुछ नहीं होगा, बोलो आप अपनी बात। अच्छा सिर्फ एक बात, किसी के पास ये सपा है का मतलब समाप्त पार्टी की, सपा है। देखिए IPL की तर्ज पे टिकट लेकर आई है परमिला जी, 144 करोड़ रुपए का वायु प्रदूषण घोटाला हुआ है, उसका जवाब पहले दे दे। बताइए क्या कह रहे हैं, 144 करोड़ के घोटाले का पहले मेयर साहिबा उत्तर दे, बंटी टैक्स घोटाले की बात हो रही है, घोटाले। महिला कार्यकर्ता एक सिंगल नहीं है, जिनके नेता पति हैं, उनकी सुंदर कांड, नेता कहता है पत्नी सुंदर सुंदरकांड की बात होती है। तो देखिए सुंदरकांड
विधानसभा से पहले ये मुद्दा उठा था, अमिताभ जी ने सुंदरकांड की बात कही थी, अब बीजेपी वो भी मुद्दा उठा रही है। नहीं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग के प्रेम का प्रदर्शन है, पति पत्नी की प्रेम की भाषा है, तो उसको हम लोग अपने बीच में बात करते हैं, अब उसको विरोधी किस रूप में लेते हैं वो उनकी दिक्कत है। भाजपा को लेके वो सामने की कुर्सी देखी है, आप वो सामने की कुर्सी देखिए, ये मेयर 5 साल से, आप इसी पार की ये कुर्सी देखिए, इसमें दिखाने पर लोग आएंगे तो पेड़ों की पत्तियां भी दिखाएंगे, क्योंकि जिसको अच्छा नहीं देख रहा है। क्यों नकार रही है तुम तो दो बार से जनता ने, क्यों नकारा इसका जवाब दो, हमें इसका जवाब दीजिए। दो बार से विधानसभा गलत काम नहीं हुआ है उसको समस्या है, जिसका गलत काम नहीं हुआ, इसका गलत काम नहीं हुआ उसका प्रत्याशी कहाँ है, प्रत्याशी कहाँ है, इसका जवाब ये है, शहर बेच के बंटी भागा सोती चौकीदार, हर बात में बोले ये पीछे विरोधी जिम्मेदार। जवाब दीजिए, देखिए जवाब, हम नकारात्मक बातें नहीं सुनते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। घूम रहे हैं कुत्ते, आवारा जानवर, आपको भी मिले होंगे, पूछिए क्या किया इन्होंने, सब किया, जिसको कहना है वो कहेगा हम राम मंदिर बनाने वाले, अच्छा काम करते हैं, अच्छा बोलते हैं, सबका साथ। आपको लगता नहीं कि विपक्ष इस बार जो है आप लोगों को बड़ी एक सत्ता, ये चारों मिले हुए हैं, अब देखो वो बोलती है तो कहो चुप रहो, हम बोलते हैं तो सब बोलेंगे, चिल्लाते रहेंगे 11 तारीख के बाद आयुष्मान कार्ड से दवा खरीद के अपना इलाज करो। एक मिनट, राम के खिलाफ रावण, राम अकेले और रावण की पूरी लंका थी, राम रावण से लेकर के परशुराम, पुलवामा और तमाम जो कानपुर शहर के जो तमाम मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो रही है। देखिए बताइए, कानपुर के मेयर प्रमिला पांडे जो थी, हर भैंस उठाने नाम पे 40-40 हज़ार रुपए लिए, हमने खुद 4 लाख रुपए सब लोगों को दिए गए हैं, और जितने भर्ती हुई है संविदा की सब पे पैसे लिए गए। आप लोग आरोप लगा रहे समाजवादी पार्टी जी, आरोप मैं एक छात्र हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, अभी दीदी जी ने बोला कि गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी में होती, तो आपको इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि मैं एक छात्र हूँ। क्या आप सुन रहे हम बोलते सब चिल्लाते हैं, अब तुम बोल। सियासी चर्चा काफी ज्यादा गर्म है, पारा भी काफी ज्यादा चढ़ा हुआ है, और ऐसे में सबसे ज्यादा दिलचस्प और रोचक बना हुआ है कानपुर नगर निगम का चुनाव, जहां पर महापौर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस हमेशा से ही चुनौती बनती आई है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी भी बीजेपी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती दिख रही है। मैं इस समय मलियाबाद नगर पंचायत में हूं, जहां का आम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, मलियाबाद का नाम विश्व का हर व्यक्ति लगभग जानता होगा, यहां की मिठास, यहां की खुशबू, और यहां का चुनाव भी उतना ही मीठा रोचक होता है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, हमारे साथ भाजपा के कैंडिडेट हैं, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, और यहाँ की जनता है जो बताएगी कि इस चुनाव में मुद्दा क्या है, ये चुनाव कैसा होगा। मलियाबाद में सपा प्रत्याशी से शुरू करते हैं, इंसराम भाई हमारे साथ हैं, इंसराम जी क्या प्राथमिकताएं होंगी आपके कैंडिडेट की, आपकी पत्नी हुमैरा यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए पहली प्राथमिकता तो यहाँ की शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा, और बाकी मुद्दे आप पूरी टाउन में घूमें, जो विकास का मुद्दा है, डामर रोडों पे जिस तरह से कच्ची मिट्टी पड़ रही है उसको गड्ढा मुक्त नहीं बल्कि पूरी डामर, पूरे टाउन में डामर रोड और तमाम वार्डों में वाईफाई, जो गरीबों पर टैक्स है, जो रोडों पे गरीब दुकान लगाते हैं उन पे सारा टैक्स माफ़ हो रहा, पानी वाटर टैक्स माफ़ हो रहा, यही हम लोगों के मुद्दे हैं। आज उनको आना चाहिए जो समाज, जो बीएसपी से लड़ रहे हैं, जो जिनको समाजवादी ने 40 साल से चेयरमैन बनाया, आज वो बीएसपी में है, उनको आके जवाब देना चाहिए। पिछली बार किसकी सीट? पिछली बार भी समाजवादी की सीट थी और इस बार भी समाजवादी ही की सीट जीतेगी, यहाँ जब से टाउन एरिया है तब से समाजवादी की सीट जीतती आई है और इस बार भी समाजवादी की सीट जीतेगी। यहाँ की मूलभूत समस्याएँ क्या क्या? समस्याएँ विकास है, शिक्षा है, चिकित्सा है और सुरक्षा है, ये मेन मुद्दा है यहाँ का, तो इस मेन मुद्दे पर हम लोग काम करेंगे। भाजपा से मालती यादव चुनाव लड़ रही हैं, जिनके बेटे नरेंद्र यादव हमारे साथ हैं। नरेंद्र, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कौन कौन से मुद्दे हैं इसमें? देखिए जनता के मूल भौतिक कार्य हैं, और जो जनता के मूल भौतिक काम में ही काम है, रोडें नाली सड़कें जो मेन काम होता है, इस तरीके से कार्य किए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि कोई नेता सफ़ेद कपड़े पहन लेते हैं, एसी में रहते हैं, लेकिन जनता के बीच नहीं जा पाते। मैंने 5 साल में वर्तमान सभासद रहा, वार्ड नंबर 2 मुंशीगंज से रहा, 450 कॉलोनी मैंने बनवाई, अपने क्षेत्र में काम किया, और प्रधानमंत्री मोदी जी योगी जी की स्कीम है, आज उन्हीं के आधार पे सर्व समाज का कल्याण हो रहा है, सबका साथ सबका विकास के नारे पे
क्या हिंदू क्या मुस्लिम सभी को कॉलोनी दी जा रही है। आज नगर पंचायत के अंदर 2400 कॉलोनियाँ बनी हैं, इसमें 1400 कॉलोनियाँ मुस्लिमों को मिली हैं, 1000 कॉलोनियाँ हिंदू भाइयों को मिली हैं। तो सभी लोगों को धर्मों का काम एक साथ मिलकर किया जा रहा है। श्रम कार्ड हमारी सरकार दे रही है, रोजगार सेवा रोजगार के लिए भी हमारा सरकार काम कर रही है, और अभी तक 5 लाख का जो भी इलाज है, बीमारी का इलाज, उसके लिए सरकार दे रही है। आवास दी, शौचालय दिए हैं, गैस सिलेंडर दिया है। एक नारा चला था 2014 में, जैसे हर घर 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 मोदी, हर घर मोदी, तो घर घर मोदी का नारा इसीलिए था कि मोदी जी ने कहीं किसी घर में सिलेंडर पहुंचाया है, किसी को फ्री राशन देने का काम किया है, किसी को आवास देने का काम किया है, किसी को शौचालय देने का काम किया है। और जनता परिवर्तन नगर पंचायत की चेह रही है, क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी लोग चेह रहे हैं इस बार कि परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन के साथ में इस बार भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलने जा रहा है। तो देखिए, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सौरभ सैनी भी हैं, इनकी पत्नी ज्योति सैनी चुनाव लड़ रही हैं। आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव? सर्वप्रथम तो एबीपी गंगा न्यूज़ को मैं प्रणाम करता हूँ, दिल से हृदय से आभार करता हूँ कि उन्होंने अपने विशाल पटल पर मुझे आमंत्रित करके मुझे सिलेक्शन। मलिहाबाद नगर पंचायत में जो गंगा जमुना तहजीब आ रही थी, हिंदू मुसलमान एकता की बात आ रही थी, विकास की बात आ रही थी, हम उसको लेके काम करेंगे। हम गली गली क्लिनिक अपने खोलेंगे जो नगर पंचायत की तरफ से होंगे, जिनमें फ्री इलाज होगा। हम यहाँ की सड़कें ठीक कराएंगे, हम यहाँ की बहु बेटियों के लिए रिक्शा फ्री करेंगे, जितनी हमारी बहनें माताएं हैं उनका रिक्शा फ्री करेंगे। जनता से भी बात करते हैं, जनता में भी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनसे पूछते हैं क्या समस्याएं हैं। बाबूजी, क्या नाम है? मोहम्मद यूसुफ सर। यूसुफ साहब, क्या समस्याएं आपको लगती हैं? आप इलाके में रहते हैं, लंबे समय से रह रहे हैं, क्या लगता है यहाँ क्या कमी? कमी ये सबसे बड़ी, यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं है लड़कियों के लिए, एक ट्रामा सेंटर होना चाहिए, एक्सीडेंट होने के बाद किसी भी मरीज को भागने लगना पड़ता है। सबसे बड़ा विकास का मुद्दा है, जो लोकल पॉलिटिक्स है यहाँ बड़े मुद्दे नहीं है, बड़ी बातें नहीं है, बड़े बड़े जो लोकल हमारी प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा विकास की है। 30 साल, पिछले 30-35 सालों से नगर पंचायत सिर्फ दलाली होती आ रही है, और जो मौजूदा में 30-35 साल से रहे उन्हें ये लगा कि तफरी मजाक हो रहा है। तो युवाओं के भविष्य के बारे में ना कभी सोचा गया, ना कभी समझा गया। अगर भविष्य युवाओं ने कभी आपको फ़ोन किया तो फ़ोन बंद रहे। पहला तो ये है कि यहाँ पे साफ़ सफाई को लेके भी बहुत चीज़ें रह चुकी हैं कि साफ़ सफाई नहीं रहती रोडों पे, तो खासकर कि अब जो आए उसमें साफ़ सफाई देखी जाए। उसके बाद यहाँ पे जब फ़ोन करा जाता है कि कोई भी समस्या है तो उसको देखा नहीं जाता है, तो हमारे तरफ से जो नेता हमारे खड़े हो रहे हैं वो समस्या को फ़ौरन देखेंगे कि फ़ौरन फ़ोन उठाया जाए, सबकी मदद करी जाए। सबसे पहले तो लाइट वगैरह जो है, जैसे दिखने वाले इलाके हैं वहाँ पर खाली करी जाती है, बाकी आप गलियों में चले जाइए लाइट की कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, अभी हमारे वार्ड के सभासद हैं सिराज खां, उन्होंने अपने पैसे से लगाई है लाइट। उसके अलावा ये होता है, सबसे बड़ी दिक्कतें आती हैं सफाई, सफाई बस जो दिख रहा है सामने आपको, जो मेन मलियार में एंट्री करेंगे वहाँ पर सफाई होगी, इधर उधर आप जाएंगे तो सफाई की कमी है। सर, हम ये कहेंगे कि हमारे जो मौजूदा सभासद रह चुके हैं ये मुंशीगंज वार्ड से, वो दिखा चुके हैं कि हम क्या कर सकते हैं। एक व्यक्ति सभासद रहते हुए जब 450 आवास बनवा सकता है, अगर वो चेयरमैन बन जाता है तो क्या कर सकता है। ये जनता इसी बात को लेकर के पूरा समर्थन दे रही, और इस बार काटू जी की माता जी मालती देवी ही बनने जा रही चेयरमैन। मूलभूत सुविधाएं और समस्याएं का मामला ये है, मलिहाबाद टाउन में मार्केट लगती है, परमानेंट मार्केट है यहाँ पर, बाहर से पूरे मलिहाबाद से सैकड़ों गाँव के लोग यहाँ पर मार्केटिंग करने आते हैं। उनके लिए जिन मुद्दों को मेन है, जो अभी तक छुए नहीं गए हैं, वो मुद्दे हैं जैसे कि मार्केट में शौचालय होना चाहिए। क्या कहेंगे सर, आपको क्या लगता है कि मलिहाबाद में क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी जिनको दूर होना चाहिए, निस्तारण होना चाहिए समस्याओं? सड़कें बहुत ख़राब हैं, सड़कें हैं, स्कूल नहीं हैगा, डिग्री कॉलेज नहीं है, और लोग बहुत परेशान रहते हैं। निकलना देखे इधर आगे चले जाइए, बिल्कुल ही सब गड्ढे हैं सड़कों। मलिहाबाद एक ऐसा इलाका है जहाँ की खुशबू, जहाँ की मिठास पूरे देश में फैलती है, लेकिन जन समस्याओं की बात करें तो निकाय चुनाव में यहाँ पालिका है, नगर पालिका, वहाँ पर समस्याओं का खात्मा कभी नहीं हुआ। लंबे समय से लोग संघर्ष कर रहे हैं, जीतते हैं उसके बाद ध्यान नहीं देते इलाके में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।